दोस्तों साल दर साल होता है कि कोई बड़ा सुपरस्टार आता है और उन्हें नेम टैग दिया जाता है। जैसे कि हमें पता ही है, अमिताभ बच्चन को शहंशाह बुलाया जाता है, शाहरुख खान को बादशाह और सलमान खान ने अर्न किया है टैग सुल्तान। सुपरस्टार्स की इस लेगेसी के अंदर कई लोगों को कई नाम से बुलाया जाता है। वहीं आपको पता ही है कि वहीं सलमान खान को सुल्तान उनकी फिल्म सुल्तान के बाद बुलाया जाने लगा, तो वहीं शाहरुख खान को बादशाह के बाद। लेकिन अब आपको बता दें कि टाइटल्स के इस खेल के अंदर एक बड़ी फिल्म आने वाली है जो कि सलमान खान की है, तो वहीं शाहरुख खान भी अपनी एक बड़ी फिल्म लेकर आएंगे। आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2024 एक इकलौता ऐसा साल है 30 साल बाद जिसमें ना तो सलमान खान की और ना ही शाहरुख खान की कोई फिल्म रिलीज हो रही है और इसे रेयरेस्ट इवेंट भी कहा गया है। वहीं 2025 में दोनों बड़े सुपरस्टार की फिल्में आने वाली है और दोनों की फिल्म के टाइटल उनकी पर्सनैलिटी को बयान करते हैं। जहां शाहरुख खान सुजोय घोष की डायरेक्टेड फिल्म के अंदर काम करने वाले हैं, ये एक रॉ और रस्टिक एक्शन थ्रिलर होने वाली है जिसमें हमें सुहाना खान नजर आएंगी। वहीं इस फिल्म का टाइटल रखा गया है किंग और शाहरुख खान को किंग खान भी कहा जाता है और शायद यही वजह है कि इसका नाम किंग रखा गया है। वहीं फिल्म की कहानी ऐसी बताई जा रही है कि इस फिल्म के अंदर उनकी एक डिसाइपल होने वाली है और वही उसके टेस्टिंग और उसकी सर्वाइवल स्किल्स किस तरीके से पिक्चर में आगे बढ़ती है ये दिखाया जाने वाला है। वहीं सोर्स ने ये भी बताया है कि इसका किंग जो नाम है वो शाहरुख खान की वजह से ही रखा गया है। वहीं फिल्म के अंदर बाकी की कास्टिंग चालू है, देखना होगा कि ये जो फिल्म के अंदर कौन कौन कास्ट किए जाते हैं क्योंकि किसी ए लिस्टर की तलाश है जो कि इस फिल्म के अंदर विलन का किरदार निभाए। दूसरी ओर आते हैं सलमान खान। सलमान खान जो है अपनी फिल्म लेकर आने वाले हैं अगले साल ईद के मौके पर। इस फिल्म को साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिल्म का जो टाइटल है वो है सिकंदर। ये किंग से कुछ खास अलग नहीं है लेकिन सिकंदर टाइटल जो है वो सलमान खान ने अपने लिए ऑप्ट कर लिया है। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं AR मुर्गदास और ये फिल्म की शूटिंग अगले महीने से शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि 12 दिन का एक्शन स्केड्यूल जो है वो प्लान किया गया है। सिकंदर भी एक एक्शन पैक्ड एंटरटेनर होने वाली है जिसमें रोमांस, ड्रामा और भरपूर इमोशंस फैंस के लिए आने वाला है और इसको ईद के लिए एक परफेक्ट एंटरटेनर भी कहा जा रहा है। सलमान खान की ये फिल्म काफी ज्यादा इसके ऊपर काम चालू हो चुका है, हालांकि फिल्म से ना ही एक्ट्रेस का नाम और ना ही विलन का नाम सामने आया है। देखना होगा कि आखिरकार फिल्म से कौन कौन बड़े सितारे जुड़ते हैं। वहीं दूसरी और एक इंटरेस्टिंग खबर ये है कि साजिद नाडियाडवाला ऐसे प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने किंग नाम पर ऑलरेडी पेटेंट करवा रखा था, यानी वो चाहते थे कि किंग नाम की फिल्म वो बनाए, लेकिन शाहरुख खान की रिक्वेस्ट पर उन्होंने इस नाम को छोड़ दिया और आखिरकार शाहरुख खान इस फिल्म को बना रहे हैं। दोस्तों कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं कि किंग और सिकंदर के अंदर से कौन सी फिल्म के लिए आप ज्यादा एक्साइटेड हैं, किंग या फिर सिकंदर। कमेंट जरूर करें। अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल देखो देखो को।